नमस्कार आए और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। अररिया जिला का यह थाना आज भी किराए के मकान में चलता है। थाने के पास अपनी जमीन नहीं होने के कारण थाना 3 कमरे का बना हुआ एक किराए के मकान में दशकों से चल रहा है। इस थाने में कैदियों को रखने के लिए हाजत भी नहीं है। यह अररिया नगर परिषद क्षेत्र के RSOP है। सन 1971 में इस थाने को भाड़े के मकान में शुरू किया गया था, तब से अब तक यह भाड़े के मकान में ही चल रहा है। मकान की स्थिति भी अब जर्जर बन गई है। इस मकान के मालिक सत्यनारायण साह बताते हैं कि पिछले कई दशक से मकान का भाड़ा उन्हें 1,000 रुपए प्रति वर्ष के रूप में दिया जाता है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। इस महंगाई के दौर में मुख्य बाजार के बीच 3 कमरे का पक्का मकान का किराया 1,000 रुपए सालाना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राशि भी 4 से 5 साल के बाद दी जाती है, जबकि उक्त मकान का नगर परिषद के द्वारा होल्डिंग टैक्स भी लिया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 3,000 से अधिक का भुगतान करना पड़ता है, जिस कारण उन्हें प्रतिवर्ष 2,000 रुपए अपनी ओर से देना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द उनके मकान को खाली कर दे और इस थाना को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, ताकि वो अपने मकान का सही इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, हमारे पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं है। अगर प्रशासन हमारे मकान को खाली कर देती है तो बच्चों को छोटा मोटा रोजगार करने में आसानी होगी। इसके लिए उन्होंने जिला पदाधिकारी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस थाना को यहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि उनका मकान खाली हो सके। ये मेरा मकान 70 साल पुराना है। 1971 में इसमें थाना आया और तब से यह 1,000 रुपया साल का मात्र भाड़ा दे रहे हैं। मकान का स्थिति बहुत जर्जर हो गया है। बार बार SP साहब और DM साहब को हमने एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया गया, उच्च पदाधिकारी DIG को दिया गया, लेकिन मकान खाली करने के संबंध में कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जबकि मेरे मकान का मुंसिपल नगर परिषद का ही सालाना रेंट 3,000 रुपया लग रहा है और मुझे मात्र 1,008 रुपया सालाना मिल रहा है भाड़ा, वो भी किसी साल मिलता है कभी नहीं। इस बीच में बहुत दिन भाड़ा पता नहीं चला कहाँ गया नहीं गया। 2013 से बंद है जी। अब क्या मांग कर रहे हैं? मेरा मकान खाली किया जाए, इसलिए कि मेरे हम लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। इस 71 साल में कोई, इस 50 साल में कोई रोज़गार नहीं कर पाए, इसलिए कि मेरे पास और एक्स्ट्रा जगह ज़मीन नहीं था, जिसके चारे कुछ नहीं। और बाल बच्चे हमारे पढ़ लिख करके अब सियाने हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, कोई सर्विस नहीं हो रहा है, उसकी भी लाइफ लगता है कि गर्त हो जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगार हटाया जाए, एक तरफ सरकार ही हमारे परिवार को और बाल बच्चे को बेरोजगार बनाने जा रही है। यह तो कोई कैसा यह दोहरा नीति है सरकार की। DM साहब से क्या कहेंगे? DM साहब से एप्लीकेशन दिए, बोले ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। क्या मांग कर रहे हैं? मकान खाली कर दिया जाए, हमारा बाल बच्चा रोजगार करेगा, भुखमरी के कगार पर पढ़ लिख करके सब बेकार घूम रहा है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण साहब। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? 2018 में SP साहब को लिखे थे, DM साहब के पास भी दरखास्त दिए थे, उन्होंने बोला ठीक है विचार करें, कोई तरह का सुनवाई नहीं हुई इस पर। और हम लोग का जो है बच्चे लोग जो बड़े हो गए हैं, बेरोजगार है, और हम चाहते हैं कि मकान खाली कर दिया जाए। सरकार के पास बहुत सा ऑप्शन है, अपना कहीं ज़मीन खरीद करके अपना ज़मीन शिफ्ट कर लें, थाना वहीं बनावे। एक अखबार लिए हुए हैं आप, क्या है अखबार में? ये अखबार में पहले भी दिए हुए थे, तो पहले मीडिया लोग आए हुए थे, वहाँ के जाँच उच किए हुए थे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो दिक्कत क्या हो रही है थाना चल रहा है तो? दिक्कत ये है कि हमारा मकान खाली कर दिया जाए, मकान जर्जर हो गया, बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे लोग का रोजगार पाती सब बेरोजगार हो गया है। हटिया पर का दुकान है, हटिया यहाँ पर हम बीच मार्केट के अंदर में है, बाल बच्चों को रोजगार मिले, कुछ धंधा करवा दें बच्चे लोग को, भाड़ा भी बहुत कम है, 1,000 रुपया साल है, टैक्स हमको हमारे पास 3,000 रुपया सालाना लग रहा है टैक्स। क्या नाम है आपका? बद्रीनाथ शाह। मेरा मकान किसी तरह खाली हो जाए, ये हम चाहते हैं सर। मेरा मकान जो है पुराना, बहुत पुराना मकान है, और भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, 1,000 रुपया मात्र भाड़ा मिलता है और 3,000 रुपया टैक्स देना पड़ता है। मकान भी जर्जर हालत में है,
और बाल बच्चा सब सियाना हो गया है, कोई रोजगार नहीं कर रहा है, और दूसरा हम लोग को कुछ साधन नहीं है। बाल बच्चा सियाना हो गया तो कोई रोजगार धंधा करा में, सरकार को बहुत जगह ज़मीन है, बिहार सरकार है, बहुत ऑप्शन है, वहाँ अपन शिफ्ट कर ले, सरकार को दिक्कत कहाँ है। हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि मकान खाली कर दे। पैसा मिला है इसका? पैसा मिला है सर, 18 से नहीं मिल रहा था, जब लिखा पढ़ी किए तो हम लोग को 5,000 मात्र दिया गया, उसके बाद फिर नहीं मिल रहा है। अब क्या चाह रहे हैं? खाली करो, हम मकान खाली करना चाहते हैं कि बाल बच्चा को रोजगार हो, मकान खाली कर दे, बस हो गया। क्या नाम हुआ? रामनारायण साहब। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज़।